हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पर। और आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी बिल्कुल ढाबा स्टाइल। यकीन मानिए, ये इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है ना कि आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस एक बार वीडियो को आप पूरी देख लीजिए और आप देखते ही इसे बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने लिया है भिंडी जो हाफ के जी है, और इसे बहुत अच्छे से धो करके मैंने पोंछ लिया है। ये बिल्कुल ड्राई है। और अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से कट लगा लेंगे और साथ ही हमें बीच से भी कट लगाना है। और इसके बाद इस तरह से छोटे साइज में हम भिंडी को काट लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सभी भिंडी को यहाँ पे काट लेना है। तो यहाँ पे हमने सभी भिंडी को इस तरीके से काट लिया है। और अब हम लेंगे एक चॉपर, साथ ही यहाँ पे थोड़े से मसाले लिए हैं जिसमें लहसुन है, चार टुकड़ा अदरक का लिया है और यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च है। तो तीखा आप अपने हिसाब से रखें। और अब हम इसे डालेंगे चॉपर में। इसे हमें बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लेना है। भिंडी की सब्ज़ी तो आपने हर तरह से बनाई होगी, मगर जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। शायद ही आप लोगों ने इस तरह से कभी बनाई होगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो ये देखिए, मसाले जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फाइन चॉप हो चुके हैं। अब हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल, और मसाले को हम इसमें डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, जब इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ख़त्म हो जाए तभी हमें मसाले ऐड करने हैं, वरना जो सरसों का तेल होता है ना, स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका। तो बस यहाँ पे मसालों को डालकर हमें 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसे भून लेना है। और इसके बाद जो हमने भिंडी कट करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें भिंडी को मसालों के साथ वापस से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे जो भिंडी का कलर है वो हल्का सा चेंज होने लगा है। अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे नींबू। तो बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा नींबू का है, ऑलमोस्ट 1 चम्मच के करीब जूस निकलेगा। और साथ में डालेंगे यहाँ पे नमक। तो नमक जो है हमें बाद में ही डालनी है, क्योंकि अगर हम पहले डालेंगे तो भिंडी जो है वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। वापस से सारी चीज़ों को कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पर भून लेना है हमें। और अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है दही, 4 से 5 चम्मच है, फैटा हुआ दही है, इसे हम डाल देंगे भिंडी में। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक कि जो यहाँ पे हल्का सा मॉइस्चर आपको दिख रहा है ना, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता, हमें बिल्कुल अच्छे से इसे भूनते रहना है। दही डालने के बाद वापस से 2 मिनट ऑलमोस्ट इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम गैस से उतार लेंगे और यहाँ पे दूसरे पैन को चढ़ाया है। आप चाहे तो सेम पैन भी खाली करके यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, साथ में डाला है 2 बड़े साइज़ का प्याज और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। तो प्याज और टमाटर को हमें यहाँ पे सॉफ्ट होने तक के लिए पकाना है। तो आप चाहे तो इसे कवर कर दें या फिर खुले में सॉफ्ट करें। तो मैं यहाँ पर इसे 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, कवर को हम हटा लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल इसे एक बार फिर से मैश कर लेंगे इस तरह से, ताकि टमाटर जो है वो मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये देगी लाल मिर्च है जो तीखा ना के बराबर होता है। साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे, ये भी 1/2 चम्मच है। 1 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर और यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक जो है हमने पहले भी भिंडी में डाला हुआ है, इसलिए आप नमक हिसाब से ही डालें। तो बस इन सभी मसालों को हम वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक मसालों को हमें भूनना है प्याज और टमाटर के साथ। मसाला जो है वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी जो हमने दही के साथ फ्राई करके रखा हुआ था। अच्छे से इन सबको एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर भिंडी की ये सूखी सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको, यकीन मानिए। भिंडी तो आपने कई तरीके से बनाई होंगी, मगर इस तरह से आपने नहीं बनाया होगा, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बस सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम लो में रखेंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए, जब तक कि जो भिंडी है हमारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए, भिंडी को पकते हुए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कवर को हम हटा लेंगे, ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
आप चाहे तो कसूरी मेथी या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है उससे भी। ये देखिए ज़बरदस्त भिंडी की ये सब्ज़ी, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। चपाती के साथ, पूड़ी पराठा किसी के भी साथ आप खाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से आप बनाएं और आप इसे लंच बॉक्स में भी इजीली दे सकते हैं। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।